मैं रणछोड़ लैंड की एक ऐसी गली में मौजूद हूँ जहाँ रमजानों में अफ्तार के बाद जो है वो ईद का समा होता है। क्या टिकट रखा हुआ है? 30 रुपए। जबरदस्त यार, टिकट भी जो है वो यहाँ पे नॉर्मल है, 30 रुपए जो है वो इस झूले का टिकट है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं रणछोड़ लैंड की एक ऐसी गली में मौजूद हूँ जहाँ रमज़ानों में अफ्तार के बाद जो है वो ईद का समा होता है, और यहाँ पर एक गली को जो है वो सजाया जाता है बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ रखी गई होती है जिसमें झूले होते हैं बहुत सारे। उसके अलावा जो है वो घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें जो है वो बच्चे उस पर सवार होके सवारियां जो है वो करते रहते हैं। और इस वक्त मैं उस गली में मौजूद हूं और यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईद का समा हो। बच्चे इतने खुशी से जो है वो झूलों में बैठे हुए हैं, कोई जो है वो घोड़ों पर बैठे हुए हैं, और यहां पर जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखी गई होती है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ईद हो, ईद की जो है वो शाम हो। यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ जो है वो रोज़ाना होती है, और रोज़ाना जो है वो अफ्तार के बाद ये एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। और ये गली, इस गली को जो है वो मेला गली का नाम दिया है, और यहाँ पर जो है वो इस वक्त इंतहाई रश है, दोनों तरफ जो है वो झूले, और ये आपको अगर नज़र आ रहा हो जो है वो तांगा सवारी हो रही है, इसमें जो है वो लोग बैठ के, ये सामने जो है वो सिविल हॉस्पिटल तक ये एक्टिविटीज़ जारी है, और बच्चे जो है वो घोड़ों पर बैठ कर घुड़ सवारी करते हैं। और इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारे जो है वो झूले, तो इंतहाई खूबसूरत माहौल है, बेहतरीन माहौल है। और इस तरह के माहौल आपको जो है सिर्फ कराची के ओल्ड सिटी एरियाज़ में मिलेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो रोज़ाना रमज़ानों में जो है वो अफ्तार के बाद आपको ये एक्टिविटीज़ मिलेगी, और इंतहाई रश यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। कब से ये मेला लगा हुआ है? पहले रमज़ान से। तो बच्चे आते हैं, खुश होते हैं? कितने बजे आते हो, कितने बजे तक होते हो यहाँ? ये इफ्तारी के टाइम, इफ्तारी कार के आते हैं टाइम पे लगा। अच्छा, शेरी के टाइम तक इफ्तार में आते हो, शेरी तक? ओ ज़बरदस्त, तो लोग ज़्यादा आते हैं इधर? बहुत ज़्यादा। खुशी होती है, काम सही चल रहा है यहाँ पे? सही चल रहा। चलो ज़बरदस्त। ये जो है वो इस वक्त हमारे साथ एक झूले वाले मौजूद थे, इनका कहना है कि जो है वो अफ्तारी के बाद ये गली सजना शुरू हो जाती है और शेरी तक जो है वो ये एक्टिविटीज़ चल रही होती है। और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे सिर्फ बच्चे आते हैं झूलों में या बड़े भी होते हैं? बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। अच्छा, बुज़ुर्ग भी आते हैं, खुश होते हैं? क्या टिकट रखा हुआ है? 30 रुपये। ज़बरदस्त यार, टिकट भी जो है वो यहाँ पर नॉर्मल है, 30 रुपये जो है वो इस झूले का टिकट है, जो आपको नॉर्मल पार्कों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो है वो आपको 50, कई कई जगहों में तो 100 रुपये भी जो है मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो टिकट भी इंतहाई नॉर्मल रखा हुआ है, 30 रुपये जो है वो इस कश्ती वाले झूले का टिकट है, जिसमें बुज़ुर्ग बच्चे बड़े सब जो है वो बैठे होते हैं, और बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठ के जो है अपनी बचपन की यादें जो है वो ताज़ा कर रहे होते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए जो है वो ये एक ईद मेला लगा होता है, और बड़ा ही बेहतरीन माहौल है यहाँ पे, और आगे भी जो है वो आपको दिखाते हैं कि आगे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। रोज़ाना आते हो या सिर्फ आ जाए हो? आ जाए, रोज़ाना नहीं आते, पार्क में जाते हो। कहाँ रहते हो? ये पीछे गली में। कौन सा झूला खाओगे इस वक्त? अभी मैंने कश्ती खाया था। अच्छा, अभी दूसरा कौन सा लेना है? अभी हम जंपिंग खाने जा रहे हैं आगे। अच्छा, ये दोस्त है, भाई है? भाई है। अच्छा, भाई है। चलो जाओ झूला खा लो और फिर व्लॉग को देख लेना, ठीक है? शुक्रिया।